हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है शौर्यास एक्वेरिक वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ठंड में अपने कछुओं की केयर कैसे करें, स्पेसिफिकली अपने टर्टल्स की केयर विंटर्स में कैसे करें। ठीक है, सो ठंड के समय कछुओं को थोड़ी सी स्पेशल नीड पड़ती है जिसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, ये रिक्वेस्ट मैं नॉर्मली वीडियोस के स्टार्ट में नहीं करता हूं बट कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो ज़रूरी है। अपने सारे फ्रेंड्स जिनके पास टर्टल हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना क्योंकि ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके टर्टल्स की डेथ तक पे रिजल्ट कर सकता है। तो इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सब तक जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना आपका वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, टर्टल आपको जैसा कि पता है ये एक एम्फीबियन है, ये पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रहता है। ठीक है, प्लस ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी है, प्योरली तो कोल्ड ब्लडेड नहीं, लाइक कोल्ड ब्लडेड का इसके केस में ऐसा मतलब होता है कि ये इसका ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो पानी और एटमोसफेयर के टेम्परेचर से डिसाइड होता है। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं रहता है, ठीक है, यानी इसका ब्लड कुछ ठंडा पड़ने लग जाता है या फिर ठंड बढ़ जाती है तो नेचर में टर्टल हाइब्रेशन में चले जाते हैं, यानी वो खाना पीना बंद कर देंगे, वो अपने शेल के अंदर ऐसे सिकुड़ के चले जाते हैं और वो नीचे चले जाते हैं रिवर्स के और इन सब के नेचर में। ठीक है, और फिर क्योंकि रिवर्स तो फ्लोइंग चीज़ है और ग्राउंड के लेवल पे थोड़ा सा गर्मी आता है रिवर्स में, ठीक है, तो वो वहाँ पे थोड़ा बहुत खा लेते हैं पी लेते हैं। ठीक है, बट एक्वेरियम्स में वो नहीं हो पाता है। ठीक है, एक्वेरियम्स में अगर टेम्परेचर बहुत लो चला जाए पानी का तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते हैं और ये डायरेक्टली हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और फिर अगर ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो ये खाना पीना बंद कर देते हैं। और एक्वेरियम्स में ऐसा नहीं होता है कि नीचे भी फिशेस चल रही हैं और नीचे एक अलग टेम्परेचर है और ऊपर एक अलग टेम्परेचर है, वो नहीं हो पाता है। वो नीचे जाती हैं, उनको तब भी ठंड रहता है और वो हाइबरनेशन में ही रहते हैं और मर जाती हैं उसी हालात में। ठीक है, तो अपने एक्वेरियम में आप कुछ चेंजेस करना आपके लिए नेसेसरी है, जैसे कि आप अपने एक्वेरियम के वाटर में एक हीटर ज़रूर लगाएं जिसका टेम्परेचर 28-30 डिग्रीज आप सेट करके रखें। आप अपने एक्वेरियम का डायमेंशन बताएं अपने एक्वेरियम वाले को, वो आपको दे देगा एक हीटर उसके अकॉर्डिंग, और वो हीटर ज़रूर लगाएं और उसको ऑन रखें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक ऑटोमेटिक हीटर लें। मैं इस चीज़ को पिछली एक्वेरियम फिश वाली वीडियो में एड्रेस किया हूँ कि हीटर्स में कितनी वेराइटीज़ होती हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो एक ऑटोमेटिक हीटर ले लें और वो आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा एक्वेरियम के पानी को। ठीक है, आप ठंड में आपकी टर्टल्स को बास्क भी ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसका दो रीज़न होता है। ठीक है, अगर ठंड में आप देखते होगे कि पहला तो एक्वेरियम का अपर एयर लेयर का भी खाली रहता है, जिस पे बास्किंग पे रहती है उसका हवा भी ठंडा रहता है। ठीक है, तो टर्टल्स नॉर्मली उसके ऊपर चढ़ने से थोड़ा हेजिटेट करती हैं। अगर आपके एक्वेरियम में बास्किंग लाइट है तो इट्स गुड, तब आपको ये स्टेप उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप जो लाइट ऑन रखते हो बस उसको थोड़ा देर ज़्यादा ऑन रखना क्योंकि वो पानी का भी टेम्परेचर है और प्लस उस ठंड के कारण उसको अदर चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम ब्रेक डाउन एंड स्टफ में। तो जब लाइट ज़्यादा देर तक चलेगा तो वो ज़्यादा देर तक बास्किंग भी करेगी। लेकिन जो लोग के पास UVA और UVB लाइट नहीं और धूप का सहारा लेते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट होगा कि इस समय के ड्यूरिंग अपने टर्टल्स को एक्सटेंसिवली थोड़ा धूप में रखें, लेकिन पानी में रख के नहीं। आप वो जो कोई डब्बा ले लें जो कि ट्रांसपेरेंट हो दोनों तरफ से, उसके ऊपर होल्स कर दें और फिर धूप में रखें उन्हें। एक थोड़ा सा गीला कपड़ा रख दें नीचे में, अभी ना हो जाए कि पूरी तरीके से इनका बॉडी सूख जाए और उसके कारण इनकी डेथ हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टर्टल्स डेली 1 to 2 hours एटलीस्ट धूप में रहते हैं, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन ठंड में ये इंटू टू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 hours अगर वो रहते हैं तो उन्हें 4 hours धूप में रहते हैं, क्योंकि ना धूप उतना कड़ा गिरता है ना ये उतना अब्जॉर्ब कर पाते हैं हीट को। ठीक है, ना उतनी देर तक धूप रहता है इसलिए। दूसरी चीज़, इस समय आपका टर्टल कम खा रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप तुरंत अपने एक्वेरियम के पानी को चेक करें कि टेम्परेचर क्या हो रहा है आपके पानी का। ठीक है, इनकेस वो 28 से लो है
तो हम रिकमेंड करेंगे हीटर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि टर्टल का ना खाना उनके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपका टर्टल हाइबरनेशन में चल गया है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आप हीटर लगाएं, एक ऑक्सीजन पंप नॉर्मल सा पानी के अंदर डाल दें, ठीक है, और जो आपका यूवीबी लाइट है उसको चलने दें। अब देखिएगा कुछ देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद आपका टर्टल धीरे 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 करके हाइबरनेशन से बाहर आएगा और 1-2 दिन के बाद वो खाना भी फिर से शुरू कर देगा, ठीक है। और जब हम लोग खाने के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपको एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहेंगे, आप ठंडे के वक्त इन्हें थोड़ा सा मांस दें, ठीक है। मांस इन द सेंस कि आप इन्हें, अगर आप नॉन वेज हैं और आप ओके हैं, ठीक है, इन्हें खिलाने से तो ठीक है, लाइक उन्हें आप फिश मीट दे दें, चिकन मीट दे दें, गोट हार्ट इस टाइप का थोड़ा सा चीज़ दे सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो थोड़ा हेल्प करता है इनके बॉडी के डाइजेशन में। खाते हैं जैसे ही वो पचने में समय लगता है, डैट्स वाई ये बॉडी को ज़्यादा देर तक गर्म रख पाते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ये इनके लिए अच्छा है। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपके एक्वेरियम का पानी, ठीक है, एक मिसकंसेप्शन, इसको मैंने पिछली वीडियो में भी एड्रेस किया है, बहुत सारे यूट्यूबर, और बहुत सारे से मेरा मतलब एक्चुअल में बहुत सारे यूट्यूबर इस चीज़ को बोलते हैं कि ठंड में पानी नहीं बदला जाता है एक्वेरियम का, या फिर कम से कम बदला कीजिए। मैं इसका साथ बिल्कुल नहीं देता हूँ, ठीक है, इसका दो रीज़न है। पहला, आपके एक्वेरियम का नीड ठंड या गर्मी या बरसात से नहीं बदलता है, आपका टर्टल हो, फिश हो, कोई भी हो, वेस्ट उतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना वो गर्मियों में कर रहा था, ठीक है। आप अगर वाटर चेंज नहीं करोगे तो उनके लिए बहुत दिक्कत दे सकता है, इनके लिए वाटर का पीएच वगैरह सब कुछ अलग हो सकता है, नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वाटर में, ठीक है, इनको फंगस और बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाएंगी अगर आप वाटर चेंज नहीं करते हो। मैं आपको जो बेटर चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका छोटा एक्वेरियम है, 2-3 फीट, इसके लिए आप बकेट यूज़ कर सकते हो, है ना, तो एक दूसरा हीटर ले लो जिसके अंदर आप एक हीटर डाल दिए, पानी में लगा दिए, अगर आपके पास गीजर नहीं है तो उस बाल्टी में आप उसको रहने दो, तब तक आप एक बाल्टी पानी बदल दो, दूसरा बाल्टी ऐसे ऐसे करके 2-3 बाल्टी आप पानी फेंको इसका, ठीक है, फिर हीटर जो आपका लगा हुआ है पानी के अंदर उस बकेट को आप निकालो, पानी इसमें डालो, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करते हुए आप वाटर चेंज कर सकते हो, अगर आपका बड़ा टैंक है, अगर आपके घर में एक गीजर है तो आपको जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गीजर का टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर पे सेट कर दो कि आपके फिश को एकोमोडेट कर पाए। फॉर एग्जांपल मैं जो करता हूँ मेरे बड़े वाले टैंक के लिए कि 30 पे मैं अपने गीजर को सेट कर देता हूँ, पाइप लगाता हूँ, पानी सीधे टैंक के अंदर गिरता है और एक तरफ से पानी निकलते रहता है, ठीक है, तो पानी पूरा क्लियर रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता टेम्परेचर के रिलेटेड। लेकिन गीजर नहीं है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि डेली बेसिस पे एक बाल्टी पानी, डेली आप 1-2 बाल्टी पानी निकाल के आप फेंक दो और जो हीटर लगा के पानी गर्म किया वो तुरंत इसमें डाल दो, ठीक है, जिससे कारण वाटर चेंज उतना ही होगा, आपकी फिश भी उतनी ही हेल्दी रहेगी जो हर मौसम में रहती है, ठीक है। इसके कारण ही बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हीटर लगाया है भैया, सब कुछ लगाया है, देन स्टिल हमारी फिश मर रही है, आप वाटर चेंज नहीं कर रहे हो जो गर्मी में आप करते थे, ठीक है। अपने टर्टल या फिश के लिए, दोनों के लिए अब मैं आपको बोलता हूँ, ठंड में थोड़ा सा एक दो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, अपने एक्वेरियम में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड कर दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ये बीमारियों को आने से रोकता है। फॉर एग्जांपल इक हो गया और अदर टाइप का फंगस हो गया, वो होने से रोकता है आपके टर्टल या फिशेस को, ठीक है। आप टेम्परेचर को एक सर्टेन लेवल पर मेंटेन करना चाहते हो तो फिल्टर के ऊपर जो बबल निकलता है उस वाले पाइप को निकाल दो, जिससे पानी फ्लो करते रहेगा, ऑक्सीजन आएगा पानी में, बस वो बबल नहीं फ्लो फूटेगा जिसके कारण ऑक्सीजन और कार्बन का ज़्यादा चेंज होता था और अदर गैसेस का, और पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। मैं ठंड में अपने नॉर्मली सारे पंप का वो पाइप निकाल देता हूँ जिसके कारण एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बबल का रोल सब कुछ एक एक्स्ट्रा वीडियो, पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, उस भी आपको ऊपर मिल गया होगा आई बटन के आसपास। फिर उसके साथ साथ आप ट्राई करो अपने एक्वेरियम को ऐसी किसी जगह नहीं रखने जहाँ से डायरेक्टली हवा आपके एक्वेरियम पे आ रही हो या फिर डायरेक्ट ठंडी हवा उसको टच कर रही हो, क्योंकि ग्लास इंसुलेटर तो है बट उतना अच्छा नहीं, ठीक है। होता क्या है कि जब ये ग्लास ठंडा होता है तो पानी का भी टेम्परेचर उतना तेज़ी से ठंडा होने लग जाता है, ठीक है, तो ये इसके अगर लाइन वाइन कट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपकी फिशेस एंड टर्टल्स को। तो ऐसी जगह रखने का ट्राई करो जहाँ पे
ठंडी हवा उतनी ना आती हो कि भगवान ना करे ज़्यादा लंबा लाइन कट गया तो टर्टल्स और फिशेस को प्रॉब्लम ना हो, बट ये पॉसिबल नहीं है तो अगेन हीटर बेस्ट आइडिया है, वो आप करो, ठीक है। और अगर आपके एरिया का फ्रीक्वेंट पावर कट का प्रॉब्लम है और उस जगह लोकेटेड है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ 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 उसकी लोकेशन को आप चेंज करो, ठीक है। और बस आज की वीडियो में यही था फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और अपने क्वेश्चंस को कमेंट करना। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ और तब तक कीप ऑन टैंकिंग एक्वामी।